नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1991 में आई डायरेक्टर टीनू आनंद द्वारा निर्देशित और गुलशन कुमार द्वारा प्रोड्यूस एक रोमानी और संगीत में हृदय स्पर्शी प्रेम कहानी वाली फिल्म जीना तेरी गली में के बारे में। ये फिल्म 1991 की एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक गाने थे जो कि सभी सुमधुर संगीत से सजे हुए थे। इन सभी गानों को सिने प्रेमी आज भी सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अब नजर डाल लेते हैं इस फिल्म की कहानी पर। इस फिल्म की कहानी में एक अनाथ लड़के को एक बुजुर्ग दंपत्ति लेता है और उसे नीरज नाम देता है और उसे अपने सगे बेटे राजेश के साथ रहने के लिए घर लाता है। जब नीरज और राजेश समय के साथ थोड़ा परिपक्व होते हैं तो उन दोनों को लकड़ी के व्यवसाय को संभालने के लिए काम मिलता है। शिमला में एक काम से संबंधित यात्रा के दौरान दोनों अपने सपनों की लड़कियों से मिलते हैं। नीरज को खुशबू नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है और नीरज खुशबू से शादी भी करना चाहता है। चिकित्सक की मंजूरी के साथ और वो अपने माता पिता के साथ वापस जाने के वादे के साथ शहर जाने का फैसला करता है। लेकिन नीरज के शहर से लौटने के बाद उसे पता चलता है कि खुशबू लापता है और इन्हीं सब कारणों से नीरज एक अंधेरी दुनिया में डूब जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ फिल्म की कहानी। आइए अब नजर डालते हैं इस फिल्म के कलाकारों पर। इस फिल्म में हमें नजर आए थे कविता कपूर और सूरज। इस फिल्म में खुशबू नाम की सीधी सादी लड़की का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री कविता कपूर का जन्म पुणे में हुआ था। कविता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई पुणे के ही एक सेंट जोसेफ कॉलेज से की और उसके बाद कविता ने पुणे के ही एक लॉ कॉलेज से पढ़ाई की। कविता का मन बचपन से ही ग्लैमर की तरफ था। कविता को उनकी पहली फिल्म 1991 में डायरेक्टर टीनू आनंद द्वारा निर्देशित और गुलशन कुमार द्वारा प्रोड्यूस फिल्म जीना तेरी गली में के लिए साइन किया गया। जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो पहले इसे उस दौर में चल रहे VCR पर रिलीज किया गया, लेकिन धीरे धीरे इस फिल्म की सफलता को देखते हुए इसे सिनेमा घरों में भी रिलीज किया गया और परिणाम यह हुआ कि ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म को सफल बनाने के लिए इसके सुमधुर गानों का विशेष योगदान रहा और इस फिल्म में अभिनेत्री कविता कपूर को लोगों ने खूब पसंद भी किया। लेकिन इस अपार सफलता के बाद भी कविता को फिल्म इंडस्ट्री ने दरकिनार क्यों कर दिया। उसके बाद कविता कपूर किसी भी फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करती नजर नहीं आईं। बड़े पर्दे पर काम ना मिलता देख कविता ने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया और 1996 के सोनी टीवी के शो जस्ट मोहब्बत में नजर आईं, जिसमें माया नाम की लड़की का किरदार कविता ने निभाया था। उसके बाद कविता कपूर ने विभिन्न टीवी सीरियल्स में काम किया जिनमें आशीर्वाद, सास, यस बॉस जैसे टीवी सीरियल शामिल हैं और इन सभी टीवी सीरियल्स में कविता कपूर ने अलग अलग तरह के किरदारों से एक अलग पहचान भी बनाई। यस बॉस टीवी सीरियल कविता कपूर के करियर में सबसे लंबा चलने वाला टीवी सीरियल भी बना। ये टीवी सीरियल 1999 से लेकर साल 2009 तक प्रसारित किया गया। उसके बाद NDTV के शो रक्त संबंध में कविता कपूर ने विलेन का किरदार भी निभाया। आज भी कविता कपूर किसी न किसी टीवी सीरियल्स में नजर आ जाती हैं। भले ही कविता कपूर ने बड़े पर्दे और छोटे पर्दे पर कम ही काम किया हो, लेकिन जो भी काम किया है वो सराहनीय है और हमारी कविता जी के लिए दुआ यही है कि वो लगातार अपने फिल्मी करियर में सक्रिय रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म में नीरज के नाम का किरदार निभाने वाले अभिनेता सूरज के बारे में। सूरज ने वाकई इस फिल्म में अपने अभिनय के माध्यम से सभी का दिल जीत लिया था। दोस्तों, अभिनेता सूरज के बारे में जानने की बहुत कोशिश की कि इस फिल्म के बाद वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। इंटरनेट पर भी कुछ विशेष जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सूरज ने साल 1998 में चाइना गेट व 2002 में रिलीज फिल्म हमराज में छोटी मोटी भूमिकाएं जरूर अदा की हैं। उसके बाद सूरज किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए। आज सूरज कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, अब वो फिल्मों में काम करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सूरज जहाँ कहीं भी हो, हमारी तरफ से उन्हें सुखी और समृद्ध जीवन की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी 1991 में आई म्यूजिकल हिट फिल्म जीना तेरी गली में के कलाकारों के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।